आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। द्वारा पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटाने के बाद अब देश में इसकी सप्लाई बढ़ने लगी है। साथ ही रूस से सूरजमुखी तेल का भी आयात शुरू हो गया है। इस बीच खाद्य तेल के मोर्चे पर उपभोक्ताओं के लिए एक और राहत की खबर सामने आई है, जिससे आने वाले दिनों में खाने के तेल की कीमतों में और गिरावट की उम्मीद है। वहीं ओरिगो ई मंडी की रिसर्च में बताया गया कि इस साल सरसों का उत्पादन रिकॉर्ड 11.5 से 12 मिलियन टन हो सकता है, जबकि सरसों तेल का उत्पादन 4.4 से 4.8 मिलियन टन के बीच होने का अनुमान है। ये पिछले साल से 28% से भी ज्यादा है। इससे सरसों के तेल की कीमत काफी कम हो सकती है। साल 2021-22 में सरसों की ज्यादा खेती की वजह से ऐसा संभव होगा। वहीं बता दें कि मार्केट के विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल यानी 2022-23 में भी सरसों का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से ज्यादा मिला तो उत्पादन में और इजाफा हो जाएगा। साल 2021 में सरसों के तेल की रिकॉर्ड 250 रुपए प्रति लीटर तक ये पहुंच गई थी। रिफाइंड ऑयल की कीमत भी आसमान छूती रही है। वहीं लेकिन अब हालात बदल गए हैं। देश में रिकॉर्ड सरसों उत्पादन हुआ है। साल 2021 में सिर्फ 102 लाख टन का ही उत्पादन हुआ था, जबकि इस साल यानी 2022 में सरकार ने 115 लाख टन सरसों का अनुमान लगाया था। ऐसे में सरसों के तेल को लेकर कुछ नरमी का अंदाजा शुरू से ही लगाया जा रहा था। मैं बता दें कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड यानी कि COOIT एंड मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्शन एसोसिएशन यानी कि MOPA ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए देश में सरसों उत्पादन 11 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया है, जबकि ओरिगो मंडी ने कहा है कि फसल का आकार 11.5 से 12 मिलियन टन हो सकता है। इसी तरह फसल वर्ष 2021-22 में भारत में सरसों तेल का उत्पादन 28.5% ज्यादा होना यानी 8.2 लाख टन से बढ़कर 3.67 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में 2.85 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। वहीं ओरिगो ई मंडी के रिसर्चर का कहना है कि हमारे रिसर्च के मुताबिक इन आंकड़ों से ज़्यादा उत्पादन होने का अनुमान है। हमारे अनुमान के अनुसार सरसों तेल का उत्पादन 4.4 से 4.8 मिलियन टन के बीच रहना चाहिए। वहीं उपरोक्त गणना 40% ऑयल कंटेंट वाली सरसों के 11.5 से 12 मिलियन टन उत्पादन पर आधारित है। हालांकि उद्योग के दिग्गजों का मानना है कि इस सीजन में सरसों के तेल में मात्रा 40.5% के आसपास है, और अगर 11 मिलियन टन के उत्पादन पर यही मात्रा रहती है तो सरसों तेल उत्पादन 3.67 मिलियन टन के बजाय 4.455 मिलियन टन रहना चाहिए। फसल वर्ष 2021-22 में भारत में सरसों मील का उत्पादन 28.3% बढ़कर 5.75 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में 4.48 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। कई स्थानीय और कई अंतर्राष्ट्रीय कारण है जिसकी वजह से अभी खाद्य तेल के दाम में नरमी रहेगी। इस समय 10 लीटर सरसों के तेल का थोक दाम 1426 रुपये है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।